हेलो दोस्तों, श्रीमती एमएस लखानी कन्या विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 9 में गद्य 5 की चर्चा करेंगे, जो आगे हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम दूसरे भाग में आगे की जो बात है वह करेंगे। गद्य 5 हमारा जो है, इसका नाम है स्वराज्य की नींव। जिनके जो लेखक है उनका नाम है विष्णु प्रभाकर, और यह जो गद्य है वह एक एकांकी यानी कि नाट्य है। नाट्य के दौरान हमने देखा था कि यहाँ पर कौन कौन से पात्र है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी कहलाती है वही लक्ष्मीबाई है, और इसके साथ ही उनकी दो सहेली जूही और मुंदर, दोनों ही कुछ वार्तालाप कर रही है, कुछ बातचीत कर रही है। वो बातचीत क्या है वह सारी बात हमने इस नाट्य में पहले भाग में हमने देखी है। अब यहाँ पर आगे की जो कहानी है वह हम देखेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि स्वराज्य की नींव, यह नाट्य में हमने अब तक क्या देखा। इस नाट्य में हमने अब तक देखा कि जो लक्ष्मीबाई है वह स्वराज्य पाने के लिए बहुत ही चिंतित है। वह स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। जो अपना देश है, अपने राज्य की जो कोई भी सीमाएं है, वहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन है वह बढ़ता ही चला जाता है। इसके साथ ही अपने जो राज्य थे इनमें से भी कई राज्य है, कालपी, ग्वालियर, वे भी इन जो अंग्रेज है उनके हाथों में आ चुके हैं। अब लक्ष्मीबाई जो है वह बहुत ही चिंतित है कि अब अंग्रेजों के पास से हमारी जो जो राज्य है वह कैसे प्राप्त किए जाए, और इसी बात की चिंता वह अपनी सहेलियों को बताती है। अपनी सहेली में जूही जो है वह श्रेष्ठ नृत्यांगना भी है, और मुंदर है वह भी लक्ष्मीबाई के जो विचार है उससे सहमति अपना साथ है, वह देती है कि हाँ हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। वह कहती है कि हमें इस वक्त स्वराज्य पाने के लिए जो भी हमसे बन सके वह करना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाकर जो लक्ष्मीबाई है वह कहती है कि जो हमारे सेनापति है तात्या जी, वह भी आजकल बहुत ही कुछ कार्य है वह नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो रघुनाथ राव है, बांदा के नवाब जो है और राव साहब है, वह सभी हमारे सेना के योद्धा है। वो इस समय कुछ अलग ही अपने कार्य में लगे हुए हैं। वह तो इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो वह लोग तो इस वक्त कुछ नई नई मिठाइयाँ खाने में और अपना पेट है वह भरने में ही लगे हुए हैं। वे अपने देश के बारे में जरा भी चिंतित नहीं है। तभी जूही है वह कहती है कि मैं इस जो तात्या जी है इसे इस बात की जो जानकारी है वह दे सकती हूँ कि वह आपके जो विचार है इसके अतिरिक्त आगे इसमें कुछ कार्य कर सके, ताकि वे भी बहुत ही शक्तिशाली है, वे बहुत ही कार्य कर सकते हैं, किंतु इस वक्त वह कुछ और ही दिशा में जा रहे हैं। हमें वहाँ से उसे वापस लाना है। हमारे हाथ से जो ग्वालियर का किला है वह हम जाने नहीं देंगे। बस इसी बात से लेकर आगे इन तीन सहेलियों के साथ जो चर्चा हो रही थी, लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर, तभी वहाँ पर रघुनाथ राव जी है वह आते हैं। वहाँ से आगे की कहानी है वह हम जानते हैं। हमने अंत में देखा था कि जूही है वह कहती है कि खोज क्यों नहीं सकते, यानी कि हमें तात्या जी को खोजना है, तो हाँ मैं तात्या जी को क्यों खोज नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। ऐसा जूही है वह रानी लक्ष्मीबाई को कहती है। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ जी तेजी से प्रवेश करते हैं। वह
जैसे जूही जा ही रही है वहीं से जो रघुनाथ राव है वही आ रहे हैं। वह यहाँ हमारे जो हम नाट्यांश पढ़ रहे हैं उस नाट्य में अब रघुनाथ राव है वह आ रहे हैं और आके ही वह कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना में मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया, यानी कि हमारी जो सेना है वह हार चुकी है। हमारी सेना यानी कि हमारी भारतीय जो सेना है वह मुरार के जो पेशवा है उनकी सेना हार चुकी है। जूही कांप कर यानी जूही है वह बहुत ही डर जाती है, उनका जो शरीर है वह कांपने लगता है। क्या पेशवा की सेना हार गई? वह इस तरह आश्चर्यचकित हो जाती है और अनुकंपित भी हो जाती है कि पेशवा की सरकार जो मजबूत है वह भी हार गई है। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा नहीं हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। यानी कि जो लक्ष्मीबाई है वह कह रही है कि पेशवा की जो सेना है वह हार चुकी है, यह अच्छा नहीं है, लेकिन जो पेशवा सरकार है उनकी अब आंखें खुलेंगी कि वह जो दूसरे कार्य में लगे हुए थे इसके अलावा अब वह अपने किले के बारे में कुछ तो सोचेंगे, अपने देश के बारे में कुछ तो सोचेंगे, अपनी रक्षा के बारे में सोचेंगे, इसी कारण उनकी आँख खुलेंगी। यह बात लक्ष्मीबाई बता रही है। और हाँ, साथ में रघुनाथ को वह तैयारी करने की आज्ञा भी दे रही है। रघुनाथ कहता है, मैं जाता हूँ, वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं जानता हूँ कि वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। यानी कि रघुनाथ है वह लक्ष्मीबाई को कहता है कि मैं आपको सूचना देने के लिए, आपको सूचित करने के लिए ही आया था और अब मैं अपनी सेना को लेकर जा रहा हूँ पेशवा सरकार की उनकी सहायता के लिए। लक्ष्मीबाई, यहाँ पर रघुनाथ है वह यह सूचना देकर चला जाता है। तभी लक्ष्मीबाई है वह कहती है, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मी जैसे ही लक्ष्मीबाई उस जूही को जाने के लिए कहती है तभी उन्होंने देखा कि सेनापति आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वह उन्हें रुकने के लिए कहती है कि जूही रुक जाओ, सेनापति यहाँ पर ही आ रहे हैं। यहाँ पर सेनापति का नाम क्या है वह याद रखना, सेनापति है तात्या। जूही बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश। जूही कहती है कि हाँ सरदार आ रहे हैं। और बस यूं ही कहते हुए ये जो सरदार है वह आ पहुँचे हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? यानी लक्ष्मीबाई है वह सरदार को आने के लिए कहती है और कहती है कि आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए, क्योंकि इस वक्त वह लोग तो खाने पीने के मौज शौक में ही लगे हुए हैं। तभी तात्या है वह कहते हैं, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तात्या है वह सेनापति है, लक्ष्मीबाई की सेना का सेनापति है। इसके अलावा वह जो लक्ष्मीबाई है उनका गुरु भी है, वह उन्हें कई बातें सिखाता है युद्ध के लिए। फिर भी वह यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है इसे भाई साहब कहकर वह कहता है कि मैं सरदार सभी का हो सकता हूँ लेकिन आपका तो केवल सेवक ही हूँ। मैं आपकी सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है और मैं आपकी सेवा में ही लगा हुआ हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से यानी कि कटाक्ष से, लक्ष्मीबाई है वह कटाक्ष से कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है।
यहाँ पर लक्ष्मीबाई जो है वह सेनापति को कुछ कटाक्ष में कहती है कि तुम एक नारी के सामने झुक गए, यानी कि लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं तो एक नारी हूँ और नारी के सामने तुम झुक गए, इस बात से तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम्हें लज्जित होना चाहिए। लेकिन छोड़ो इन सब बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। विनम्रता यह भी पौरुषत्व जो है इनका एक भाग है कि हर कोई पुरुष है इनमें विनम्रता का जो भाव है वह होना चाहिए। और यहाँ पर तात्या की बातों में या तात्या के जीवन में हमें विनम्रता का जो भाव है वह प्राप्त होता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि जो लक्ष्मीबाई है वह जानना चाहती है कि ये सारे लोग इस वक्त उत्सव मनाने क्यों मना रहे हैं, क्योंकि उत्सव मनाने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई है। हाँ, हमारे देश की जो प्रजा है वह चिंतित है, वह गुलाम होती जा रही है अंग्रेजों के सामने। फिर भी यह लोग क्या कर रहे हैं? जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि हमारे पास क्या बहुत कुछ खजाना है कि हम बांट रहे हैं? ऐसे व्यंग्य में जो लक्ष्मीबाई है वह तात्या को कह रही है। तभी तात्या कहते हैं, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसे योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। तात्या जी है वह सेनापति है, इसी कारण सेवक के भाव से लक्ष्मीबाई को कहता है कि हाँ, आप हमें जो भी कहना चाहती है वह कह सकती है, क्योंकि आपका वह अधिकार है, लेकिन यह जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। इस समय जो लक्ष्मीबाई है वह बता रही है कि क्या कार्य चल रहा है हमारे राज्य में, कौन प्रजा है वह क्या कर रही है, और ये जो हमारी सेना है, हमारे सेनापति के सहित सारी सेना है वह क्या कर रही है। तो वह सभी लोग ब्रह्म भोजन है वह कर रही है, उनकी जो योजना है वह बना रही है, और श्रीखंड एवं लड्डू की जो खान पान है वह रखे गए हैं। इसीलिए लक्ष्मीबाई अभी भी व्यंग्य में ही, कटाक्ष में ही कह रही है कि घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी, यानी कि यदि उनकी ज़रूरत है तो वो भी अब ले जाओ, वो भी खाओ पियो और मौज मनाओ, क्योंकि हम लोग तो बड़े ही आज़ाद है। इस तरह का जो व्यंग्य है वो लक्ष्मीबाई तात्या जी को करती है। जूही, सरकार इस बार आपको माफ़ कर दीजिए, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। यानी कि जूही है अभी तात्या के बारे में बता रही है कि सरकार यानी कि लक्ष्मीबाई, आप इन जो तात्या जी है इन्हें माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, यानी कि तात्या है वह दुखी हो गया है, वह भी परेशान सा है, वह भी जानता है कि ये सब कार्य हमारे लिए उचित नहीं है। फिर भी वह इन सभी लोगों के साथ उन्हें मन ना होने पर भी वह कार्य करने पर कर नहीं करने चाहते हैं, फिर भी वह कर रहा है, इसलिए वह व्यग्र हो चुका है। और लक्ष्मीबाई के जो शब्द है वह सुनकर भी वह बहुत ही व्यग्र क्रोधी दुखी हो गया है। भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहोगी, यानी कि अपने जो व्यंग्य है वह कब तक फटकारती रहोगी, हमें कब तक सुनाती रहोगी। लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश, वह लक्ष्मीबाई है वह जूही को कह रही है कि हाँ, तू कह रही है कि माफ़ कर दीजिए, तो ठीक है मैं इसे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन वह अपनी बात रखना चाहती है। तभी उसी समय मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर यानी कि वह जो सखी है वही मुंदर का प्रवेश होता है, वह आ रही है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। मुंदर है वह आकर ही कहती है कि हमारी जो सेना है वह अब तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी,
तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। यानी लक्ष्मीबाई कह रही है कि मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ जैसे हमारी सेना तैयार है, लेकिन यहाँ पर सामने जो सेनापति है उसे लक्ष्मीबाई कह रही है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद और आशाएं थी, लेकिन तुम ऐसा करोगे इन सभी लोगों के साथ जो व्यंजन पकवान है वह खाने में जुट जाओगे, इसी आशाएं हमें नहीं थी। तुम्हारे रहते हुए यह सब क्या हो गया, यानी कि क्या हो गया हमारे हाथ से, हमारे जो राज्य है वो भी छीनते गए हैं, तुम्हारे जैसे सेनापति होने के बावजूद भी यह हो रहा है। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। जूही है वह अभी भी जो तात्या जी हैं उनके बारे में बता रही है कि हाँ ये बड़े ही स्वामी भक्त है लक्ष्मीबाई। लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, हमें स्वामी भक्त नहीं चाहिए, हमें देशभक्त चाहिए। किसी एक स्वामी का भक्त बना बैठे ये नहीं हमें मंजूर, हमें तो अपने पूरे देश के लिए भक्ति करें ऐसे लोग की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी भी हमारे पास बहुत सारा समय है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तात्या जी इसलिए तो आया हो भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाए उसी पर चलूँगा। तात्या जी अपने आने का जो हेतु है वह बता रहे हैं कि हाँ मैं इसीलिए आया हूँ कि हमें युद्ध की पूर्ण तैयारी करनी है और इन युद्ध में हमें योजनाएं भी बनानी है और उसी योजना के साथ हम सभी लोग चलेंगे लक्ष्मीबाई। तो आओ तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुर की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। यानी कि लक्ष्मीबाई है वह कह रही है कि अभी हमारे जो खान पीन नृत्य आदि के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इन्हें रोक दो, नृत्य में जो नुपुरों की झंकार होने वाली है उन्हें रोक दो और तोपों की गर्जन सुनाने दो, हम सभी यह तोप की जो गर्जन है वह सुनने के लिए बेसब्र है। भूल जाओ राग रंग, याद करो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, तो संगीत का कोई राग या इत्यादि रंग में डूबे हुए हो, इन सभी लोगों को वापस ले आओ और उन्हें याद दिलाओ कि हमें क्या करना है, हमें स्वराज्य लेना है, हमें यहाँ पर मौज शौक नहीं करने हैं, लेकिन हमें रणभूमि में जाना है और अपनी मौत से हमें जूझना है, इनके लिए हमारी सेना को तुम तैयार करो। तात्या कहता है महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। हाँ मैं आपके पास आया हूँ तो युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ लक्ष्मीबाई, जानती हो। लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। कि लक्ष्मीबाई है वह सेनापति को जो कार्य है वह दे रही है कि तुम्हें क्या करना है, कि याद रखना दुर्भाग्य से हमें विजय प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, तो हम हमारी जो सेना है और हमारे सैन्य की जो सामग्री है वह सभी को बचाना है, दुश्मनों से बचाते हुए हमें उनसे बाहर निकलना है, उन सभी सामग्री को हमारे साथ रखना है, यानी कि हमारी सेना है उनका रक्षण हमें करना है। तात्या कहता है कि हाँ महारानी ऐसा ही होगा और लक्ष्मीबाई है वह कहती है तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। लक्ष्मीबाई है वह मन ही मन जान चुकी है कि वह जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रही है वह अपने जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए, यानी कि हम जो युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं तो हमारी जो वीरता है वह कलंकित
ना हो जाए, यानी कि इनमें कोई भी कलंक ना लगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ही लिए कुछ किया है, हमने संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देश के स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहा है और हम वही कर रहे हैं, इसमें कोई भी कलंक है वह न लग पाए। तात्या जी कहते हैं, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। बस इतना कहकर तात्या जी है वह आज्ञा ले रहा है और हाँ, वह कह रहा है कि वीरता आपको पाकर धन्य है, कि हमें जो वीरता प्राप्त हो रही है वह वीरता प्राप्त कर कर हम सभी लोग धन्य है, और खास करके जो आप है, आपके पास, यानी कि आप तो लक्ष्मीबाई यानी स्त्री है, और स्त्री होकर भी यह साहस दिखा रही है, युद्ध भूमि में आगे आ रही है, तो वीरता है वह आपके पास आकर वह खुद धन्य हो चुकी है, और इसीलिए कलंक, कोई भी कलंक, आप कलंक से डर रही है तो कोई भी कलंक है वह हमें तो क्या, हमारी परछाइयाँ है उन्हें भी वह छू सकता नहीं है, इसी बात तात्या है वह कह रहा है। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी रणभूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना, और तात्या चला जाता है। लक्ष्मीबाई यहाँ से सीधे ही युद्ध भूमि में जाना चाहती है, अपनी जो बात है वह बता रही है। तभी मुंदर कहती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी, यानी कि मैं अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगी जूही, और मैं तोपखाना संभाल लूँगी, यानी कि तोपखाना जो है वहाँ की भी कोई देख रेख करने वाला होना चाहिए, तभी जूही है वह उन्हें संभाल लेती है। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब निकलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे, यानी कि हमें स्वराज्य प्राप्त करना है या स्वराज्य प्राप्ति की जो नींव है उस नींव का पत्थर बनना है, हम वो पत्थर बन के रहेंगे, और सभी लोग एक साथ हर हर महादेव कहते हैं, तीनों लोग हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं, फिर धीरे धीरे छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। इसी तरह हमारा जो यह नाट्य है वह समाप्त होता है हर हर महादेव के नाद से, और पृष्ठभूमि में जो गीता पाठ है उनका स्वर उठता है और हमारा नाट्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा नाट्य का जो नाम है स्वराज्य की नींव, वह सार्थक होता है, कि हाँ, हमें स्वराज्य या तो प्राप्त करना है या फिर स्वराज्य की नींव का जो पत्थर है वह बनना है, और सच में यह जो लक्ष्मीबाई है वह स्वराज्य की नींव का पत्थर है, वह बनी है, तभी तो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनका नाम है, वह गौरव से संपूर्ण भारत देश में लिया जा रहा है। यह था हमारा आज का गद्य, जिनका नाम था स्वराज्य की नींव। चलिए दोस्तों, अब इन्हें हम अपनी जो मातृभाषा है इसमें भी जान लेते हैं कि यह गद्य में क्या कहा गया था। गुजराती में देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, એ જોઈને નિરાશ થઈ ગઈ છે કે પોતાની ઝાંસી, કાલ્પી અને ગ્વાલિયર જે સ્વતંત્ર સેનાનીઓના હાથમાંથી જતા રહ્યા છે, ફક્ત ગ્વાલિયરનો કિલ્લો એમના અધિકારમાં રહ્યો છે। રાણી લક્ષ્મીબાઈ કોઈ પણ ભોગે અંગ્રેજોના હાથમાંથી ઝાંસી પાછી મેળવવાનો નિર્ણય કરે છે। રાણીને એ વાતનું દુઃખ છે કે એની સેનાના મોટા યોદ્ધાઓ જેવા કે રાવ સાહેબ, મંદાના નવાબ, રઘુનાથ રાવ વગેરે ભોગ વિલાસમાં ડૂબેલા છે, એમની પાસે શક્તિ છે તો પણ તેઓ નિર્બળ છે, તાત્યા જેવા સેનાપતિ હોવા છતાં પણ સેનામાં શિસ્ત નથી,
યુદ્ધની સઘન તૈયારી કરવાને બદલે બ્રહ્મભોજન કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. એના માટે શ્રીખાવન અને લાડુ તૈયાર કરાઈ રહ્યા છે. ગ્વાલિયર જેવી મજબૂત કિલ્લો એમના હાથમાં છે, છતાં પણ તેઓ કશું કરી શકતા નથી. જુહી અને મુંદર જે રાણી લક્ષ્મીબાઈની સખીઓ છે, જુહી સેનાપતિ તાત્યાને અને મુંદર છે એ રઘુનાથ રાવને ચાહે છે. જુહી એ સારી નર્તકી છે, સારું નૃત્ય કરી શકે છે, પણ વિલાસીઓના મનોરંજન માટે નૃત્ય કરવા તે ઈચ્છતી નથી. સ્વરાજ્ય માટે પોતાના પ્રેમને પણ ઠોકર મારી શકે એવી આ જુહી છે. મુંદર પણ યુદ્ધાઓમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈની સાથે જ રહેવા ઈચ્છે છે કે કોઈ પણ યુદ્ધ છે, હવે આ અંતિમ યુદ્ધ હોય તો પણ ભલે, મારે લક્ષ્મીબાઈ સાથે જ રહેવું છે. તેને પણ પ્રેમ કરતાં સ્વરાજ્ય વધુ પ્રિય છે. યુદ્ધમાં જુહી તોપખાનાની જવાબદારી સ્વીકારે છે. રઘુનાથ રાવ રાણીને મુરારના જનરલ રોઝની સેના દ્વારા પેશવાની હારના સમાચાર આપે છે. સાંભળીને જ રાણી કહે છે કે સારું થયું, હવે પેશવા સાહેબની આંખ છે એ ઉઘડશે. રાણી સેનાપતિ તાત્યાને યુદ્ધ માટે તૈયાર થવાનો આદેશ આપે છે અને કહે છે, જાઓ તલવાર સંભાળો, ઝાંઝરના ઝનકારની જગ્યાએ તોપોનું ગર્જન થવા દો. રાણીને લાગે છે કે આ એમના જીવનનું છેલ્લું યુદ્ધ છે. તેમને કેવળ એ વાતની ચિંતા છે કે યુદ્ધમાં ક્યાંય એમની વીરતા કલંકિત ન થઈ જાય. બાબા ગંગાદાસે રાણી લક્ષ્મીબાઈને જે કહ્યું હતું કે ફક્ત સેવા, તપસ્યા અને બલિદાનથી જ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ કરતાં વધારે મહત્વ એ સ્વરાજ્યની સ્થાપના માટે ભૂમિ તૈયાર કરવાનું છે અને સ્વરાજ્યના પાયાનો પથ્થર બનવાનું છે. તેથી જ લક્ષ્મીબાઈ, જુહી, મુંદર વગેરે સ્વરાજ્યના પાયાના પથ્થરો બનવા ઈચ્છે છે. અને આમ આપણું આ નાટક છે સ્વરાજ્યની નીવ, સ્વરાજ્યનો પથ્થર છે એ પાઠ છે, એ જે નાટક છે એ આમ પૂરું થાય છે. તો ચલીએ દોસ્તો, અબ દેખતે હૈ કે આપકો અપને હોમવર્ક મેં ક્યા કરના હૈ. આપકો અપની જો વ્યાકરણ બુક હૈ ઉસમે યહ જો શબ્દાર્થ ઓર ટિપ્પણી જો હમારે પાઠ્ય પુસ્તક મેં દિયે ગયે હૈ વહ હોમવર્ક મેં એક બાર લિખના હૈ. ફિર મિલેંગે નયે પાઠ, નયે ગદ્ય ઓર નયે કાવ્ય કે સાથ. તબ તક કે લિયે બાય.